हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के संग होंगे। मेरे भोलेनाथ की कृपा से सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी यही प्रार्थना रहती है। और आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, तो आप लोगों पे भी आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे हैं। तो आपको पता है कि श्राद्धों में तो बहुत से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। अब तो बहुत सी चीज़ें होती जो मानी नहीं जाती हैं। चलो, जिसको जैसा चलना है। तो स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉक्स एंड गार्डनिंग में। मैं हूँ राखी नेगी, देहरादून उत्तराखंड से, भाव वाले मेरे गांव का नाम है। और देखिए, प्यारी सी सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 9। और आज हमने हेल्प करने के लिए अपने देवर जी को बुलाया है, क्योंकि जो हमारा आंवले का पेड़ है वो पूरा तोरी की बेल से ख़राब हो रहा था। तो सीढ़ी पकड़ने के लिए पतिदेव ने बोला है कि जरा देवर जी को बुला दे, मतलब उनके भाई को, तो वो हेल्प करने के लिए आ गए। तो आज सुबेदार साहब जी आए हमारे घर थोड़ी बहुत सब्जी तोड़ने के लिए। उनको भी मौका मिल रहा है सब्जी तोड़ने का, और उन्हें मज़ा आ रहा था कि ऐसे, मतलब पेड़ से पहली बार, वो भी पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जब से वो तो खोज में रहते थे, तो इस बार वो जब अब उनको रिटायर हो गए तो अब वो घर पर रहिए। तो हम कभी कभी बुला देते हैं हेल्प करने के लिए अपने कामों में, जैसे हमारे खेत के काम होते हैं तो वो आ भी जाते हैं। अब तो नज़दीक हैं, दूर भी नहीं है। तो हमने कुछ बेलें काट दी थी जो हमारे आंवले के पेड़ में आ रहे थे। अक्सर ऐसा होता है ना, जब ये बेलें जो पेड़ों में जाती ना, तो इसकी वजह से पेड़ ख़राब हो जाता है और फल नहीं लगते। तो अब आंवले लग रहे थे, तो अगर हम उस पर बेल जाने देते तो हमने थोड़े निकाल काट दिए बेलें, नहीं तो मेरा पेड़ ख़राब हो जाता। तो मैं आ चुकी थी अपने अदरक के खेत में। देखिए, यहाँ पर मेरी प्यारी सी अदरक हो रही है, और आज मैं चाय के लिए अदरक भी निकालूंगी, एक जड़ निकालूंगी, देखती हूँ कैसी हो रही है। तो पेड़ तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बीच बीच में घास था, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। और अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ, तो अभी इसके बाद तो बहुत काम है, क्योंकि आज संडे है, तो हमारा तो काम बहुत होता है संडे को, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। वैसे तो हमेशा होता है, लेकिन संडे को हम एक्स्ट्रा काम निकालते हैं। तो आज बनाई जाएगी अदरक की चाय। तो दोस्तों, अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के ठीक 4:30 बजे। दिन भर जो काम किया वो मैंने नहीं दिखाया आपको, तो मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज बनाई है अदरक की चाय, अपने खेत से लाए हुए अदरक की चाय बनाई है मैंने। तो ये शाम की एनर्जी है हमारी, इसके बाद हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये हमारी चाय बन गई है, अब मैं लेके चलूँगी खेत की तरफ। और मेरा, आपको पता है कि इस टाइम पर गाय का काम तो हो ही चुका होगा, तो आज मुझे घास लेने के लिए भी नहीं जाना है। तो आज हम अपने खेत को साफ करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है सर्दियाँ हो गई है, तो सर्दियों में तो नई सब्जियाँ बोई जाएंगी। तो तैयारी करेंगे नई सब्जियों के लिए, खेत बनाएंगे पहले। तो पहले लेके चलती हूँ मैं चाय, जो मेरे हस्बैंड को इस टाइम पे अच्छी लगती है शाम की टाइम। दिन में तो नहीं पीते हैं, दिन मतलब छुट्टी के दिन तो पीते ही हैं, बाकी दिन सुबह को नहीं पीते हैं, नाश्ते से पहले सिर्फ नाश्ते में लेते हैं थोड़ी चाय। तो ये चाय हो चुकी है तैयार, चलते हैं खेत की तरफ। आज बेटे को भी दे रही हूँ चाय, उसको भी थोड़ी हल्की फुल्की खांसी हो रही है, तो अदरक वाली चाय उसको भी दे दी है। और यहाँ पर सूख रहे थे मेरे कपड़े, बस इनको भी लेके जाऊँगी शाम को, अभी जब खेत का काम हो जाएगा तो पहले हम खेत की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे धुआं भी लगा रहे थे हम, क्योंकि जो हमारा कुबाड़ा सारा घास घूस जो भी रहता है तो आग जला देते हैं तो जल जाता है। और यहाँ पे बनाई जा रही है गाय माता के चिंचड़ के लिए दवाई, यानी कि नीम के पत्ते हैं इसके अंदर डाले हुए। तो हम बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए, ये है हमारी शाम की चाय। आप भी पीजिए शाम की चाय, ये एनर्जी ड्रिंक है हमारा काम करने का। गोपियाँ वो ना सरिया है, वो है हरी सरिया, यहाँ पर ना वो हरी चादर नहीं, हरी जाली, उसको जो है ऐसे लगा दूंगा। तो इस टाइम अपने मुर्गियाँ भी खोल दिए शाम को, संडे को ही खोलते हैं, क्योंकि संडे को हम घर पे रहते हैं, तो इनको भी खोल देते हैं। और मैं यहाँ पे घास काटने आई हूँ, और ऊपर जो मेरी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं वो भिंडी के हैं। तो ये गर्मियों की भिंडी थी, अब इनमें भिंडियाँ लगनी भी बंद हो गई, तो मैं भिंडी के पेड़ सूख चुके हैं, इनको काट के एक किनारे रख दूँगी और जला दूँगी, बाद में इसकी खाद बन जाएगी। और मेरे पीछे पीछे मेरी मुर्गियाँ भी आ रही, क्योंकि जैसे ही घास काट रही तो केंचुए होते हैं ना, तो उनको खाने आ रही है वो, तो पीछे पीछे उनका खाना भी निकल रहा है। और ये घास जो मैं काट रही हूँ ये भी ख़राब नहीं जाएगा, ये गाय माता के लिए हो जाएगा, तो मैं इसे काट के कुट्टी काट के गाय को दे दूँगी। तो अब हम सर्दियों की सब्ज़ियाँ बोएंगे, सर्दियों में बहुत सब्ज़ियाँ होती है आपकी, पालक हो गया, राई हो गया, मतलब मेथी हो गया, अभी तो मुझे कुछ याद भी नहीं आने वाला, पर बहुत प्रकार की सब्ज़ी होती है, मूली, गाजर, गोभी, बैंगन। तो अब हम देखते हैं हम क्या क्या लगाएंगे, लहसुन, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, जब हमें लगाऊंगी तो आपको दिखाती रहूँगी कौन कौन सी सब्ज़ी बो रही हूँ। धनिया, थोड़ा धनिया मैंने डाल दिया था,
पर अभी वो जमा नहीं है क्योंकि धनिया जमने में पूरा 20 या 21 दिन तो लगता ही है, और वैसे भी बारिश हो गई तो शायद जमता है कि नहीं जमता है, दोबारा बोना पड़ेगा। तो अब फिर से हम मतलब अभी तो मैंने सिर्फ नाम के लिए बोया था कि जैसे होता है ना श्राद्ध में हम वैसा काम नहीं करते, नई सब्जी नहीं बोते, तो इस वजह से मैंने श्राद्ध से पहले डाल दिया था। लेकिन अभी हम खेत तैयार कर रहे हैं, अभी तो आज संडे तो आज इतना कर पाएंगे, अगले संडे को फिर कुछ और करेंगे क्योंकि डेली डेली ये काम नहीं हो पाता हमारा। तो मैं घास साफ़ करके नीचे की जो क्यारियाँ हैं उनको साफ़ कर दूँ क्योंकि बेलों में तो अभी सब्जियाँ लग रही हैं थोड़ी बहुत तोरियाँ। ऊपर ऊपर की बेलें ऊपर ही रहेगी, नीचे का घास साफ हो जाएगा तो फिर क्यारी बन जाएगी। तो जैसे हस्बैंड जी को टाइम मिलेगा वो आप यहाँ पर गेंदी से खुदाई करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम होता है हमें वैसे वैसे हम काम करते हैं, टाइम हमारा ऐसे ही निकलता है तो अपने हिसाब से चलते हैं क्योंकि शरीर इतना काम भी नहीं कर पाते कि जो ज़्यादा कर पाएँ, तो थोड़ा जैसा काम निपटता है उसी हिसाब से हम करते रहते हैं। और यहाँ पर हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे आपका गर्मियों में थी ना मई जून में, तो वही गर्मी का फील अब हो रहा है क्योंकि जैसे बरसात बंद हुई है वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हालात बहुत ख़राब है, गर्मी से कुछ भी काम नहीं करा जा रहा, काम कर रहे हैं लेकिन पसीने से फिर गीले हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने आंवले के पेड़ की सफाई करी तो मुझे 4 आंवले मिल गए, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ घर की ओर और इनको खाएँगे हम। देखिए अभी जबकि छोटा आंवला है इसने बहुत बड़ा होना है, अभी काफ़ी बड़े आंवले इस पेड़ के। तो दोस्तों जैसे घर के काम निपटे वैसे मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया, मतलब जो मेरी देवरानी आए कि दीदी आप चलो आज घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं ऐसे, जब से मेरी गाय हुई तब से हम कहीं जा नहीं पाते हैं, तो मैं भी नहीं जाती तो वो भी नहीं जाते हैं, मतलब वो कभी कभी चल जाते हैं लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। तो देवरानी मेरी दोस्त लोग हैं सारी जितनी भी हैं, तो हम आगे जाके मिलेंगे अपनी देवरानी के घर पर। और यहाँ पर एक पिल्ला अपनी माँ का दूध पी रहा था, मैंने इसको कैचअप कर लिया वीडियो में, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये हमारे गली के हैं सब, यहाँ की गली का रफारी करते हैं सारे के सारे हैं। तो हम चल चुके हैं अपने भाव वाले के मार्केट में, और हमें चारों को साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो हमें बोलते थे कि पूरा गैंग चलता है साथ में, अकेले कोई नहीं जाता है, अकेले जाना हमें मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम पहुँच चुके थे चाउमीन खाने के लिए, आज बहुत दिनों के बाद मन था कि कुछ बाहर का एक साथ मिल के खाएँ। और हमारा रेस्टोरेंट वाला भी स्पेशल रहते हैं, हम जिसके पास भी जाएंगे चारों एक ही के पास जाएंगे क्योंकि हमारा स्वाद भी एक जैसा ही होता है, तो हमें एक ही दुकान पसंद आती है तो हम इसी दुकान में बैठते हैं। यहाँ पे चाउमीन और मोमो बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं, तो हम बिना बच्चों के बिना पति के एंजॉय कर लेते हैं कभी कभी। लाइफ यही होनी चाहिए, दिन भर काम करो और शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ इंजॉय करो। तो आज हम काफ़ी दिन के बाद निकले हैं ऐसे घर से बाहर एक साथ, और ये आ चुकी थी हमारी मोमो। यहाँ पे के मोमो और चाउमीन बहुत टेस्टी होते हैं, चटनी बड़ी मज़ेदार होती है, तो हमें अपने भाव वाले में मिल जाता है खाने पीने के लिए। अब हमने ऑर्डर करी थी चाउमीन, और हम मस्ती भी करते रहते हैं, गप्पे भी मारते रहते हैं, एंजॉय भी करते रहते हैं। तो दोस्तों आज मेरे दोस्तों ने मुझे डरा दिया था क्योंकि मैं पहली बार पर्स लेके आई, क्योंकि मैं अक्सर गूगल पे यूज करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो मैं ही चाउमीन मोमो खिला दूँगी इनको। तो देखा तो मेरा पर्स नहीं मिला, थोड़ी देर तक डर गई कि कहाँ गया कहाँ गया। थोड़ी जब मैं ज़्यादा ही डर गई तो पता चला मेरे दोस्त ने ही छुपा के रख दिया था, क्योंकि मैंने पर्स रख जहाँ पर हम खाना खा रहे थे वहीं पर अपना पर्स छोड़ दिया था, तो मैं भूल गई कि मुझे पर्स भी उठाना, मोबाइल तो उठा लिया क्योंकि मोबाइल की आदत तो रहती है, और पर्स छोड़ दिया। पहली बार पर्स लेके आई थी लेकिन फिर भी दोस्त ने उठा लिया था, तब उसने जब उसे लगा कि दीदी ज़्यादा डर गए तब उसने मुझे दे दिया। और हम यहाँ पे पहुँचे थे थोड़ा सॉक्स लेने के लिए, ये भी हमारे मार्केट भाव वाले की दुकान है, तो हम सब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, सूट हैं साड़ियाँ हैं, तो हमने सोचा देख लेते हैं, लेने का प्लान तो अभी नहीं है, करवा चौथ में करेंगे हम शॉपिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्या पता कुछ अच्छा रेट में मिल जाए, शॉप काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। तो अभी रात भी होने वाली थी हमें, तो अब हम चलेंगे घर की ओर। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग।